3218 सब्सक्राइबर है। कहाँ से आई है? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से मैडम जी आई हैं और 3200 सब्सक्राइबर हो गए, एक साल का समय चला गया और पैसा एक भी नहीं मिला। कुछ गलतियां हैं, इस ऑडियंस तक ज्यादा नहीं जा रही क्योंकि एक जॉब भी करेंगे और 10,000 रुपए भी पर मंथ आपको मिलेंगे तो 1,20,000 रुपए हो गए, मतलब कि एक साल का। साल में इनको कितना पैसा मिला? कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ गलतियां हुई है ना मैडम जी। जी इसीलिए आप आना चाह रही हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पास। सेल्फ डिफेंस होना, आप घर के अंदर रह के, ठीक है ना, चार दीवारी के अंदर, मैं सिर्फ एक मिलना होता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसी के अंदर हम रहते हैं, उसी के अंदर खाना पीना रहना सब उसी में रहता है मेरा, के अंदर चार दीवारियों के अंदर रह के हम पैसा कमा लेते हैं। एक साल की मेहनत हो गई बर्बाद और YouTube से नहीं मिला एक भी पैसा, देख सकते हैं एक साल की मेहनत। भाई यहाँ पर देख सकते सब्सक्राइबर कितने हैं, 3218 सब्सक्राइबर हैं। और मैडम जी आप कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से मैडम जी आई हैं और यहाँ पर देख सकते हो 3200 सब्सक्राइबर हो गए, एक साल का समय चला गया और पैसा एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ गलतियां हैं इस चैनल पर जिसकी वजह से ये काम तो कर रहे हैं लेकिन इनकी वीडियो जो है ना वो नई ऑडियंस तक ज्यादा नहीं जा रही। क्योंकि एक साल पर अगर हम बताएं आपको, अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब भी करेंगे और 10,000 रुपए भी पर मंथ आपको मिलेंगे तो 1,20,000 रुपए हो गए, मतलब कि एक साल का, ठीक है ना। और एक साल में इनको कितना पैसा मिला? कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ गलतियां हुई हैं, हुई है ना मैडम जी। जी इसीलिए आप आई हैं, प्रतापगढ़ से आई हैं। जी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से, समझ सकते हो कितनी दूर है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ से क्योंकि YouTube पर इनको ये काम करना चाह रही है, पैसे कमाना चाह रही है, पैसे कमाना चाह रही है, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने, सेल्फ डिफेंस होना चाहते हैं। जी, ठीक है, हर एक को होना चाहिए भाई। सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ आप घर के अंदर रह के, ठीक है ना, चार दीवारी के अंदर, मैं सिर्फ एक कमरे के अंदर रहता हूँ पूरा दिन, जब मैं मुझे मिलना होता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकी मेरा कमरा है उसी के अंदर हम रहते हैं, उसी के अंदर खाना पीना रहना सब उसी में रहता है मेरा। मम्मी आगे खाना दे देती है, मम्मी आगे चाय दे देती है सब, और बैठे हम सिर्फ लैपटॉप पर अपना काम करते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, एडिट करते रहते हैं और अपलोड करते हैं जब हम मिलते हैं सभी से, ठीक है ना। और सिर्फ घर के अंदर चार दीवारियों के अंदर रह के हम पैसा कमा लेते हैं, तो मैडम जी भी कमा सकती है, ऐसा नहीं है, कमा सकती है, नहीं कमा सकती, भरोसा है आपको? जी भरोसा। आप यहाँ पर क्यों आए आज? कुछ सीखने आए हैं आपसे। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आपको कैसे लगा कि हम सिखा देंगे आपको? नहीं, विश्वास है, आप बहुत अच्छा बताते हैं, जैसे बहुत स्मूथ तरीके से बताते हैं, जैसे मुझे समझ आता है कि मतलब आप बहुत कम पढ़े रहेंगे ना तब भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे जो चीजें आपको समझ आएंगी, स्मूथ समझ जाएंगे। जैसे मुझे भी बहुत मतलब आपकी वीडियो जब देखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से आप बताते हैं। वही मैं इनसे ही बोलता हूँ, ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं आज, ये क्या ना वीडियो को स्किप करते हैं। अगर ये पूरा, अगर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, ठीक है ना, उसमें से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है न्यू यूट्यूबर करके, अगर आप वो सिर्फ एक प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, चाहे वो एडसेंस की दिक्कत हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आपको सारी वीडियो मैंने उसमें दे कर रखी, ठीक है ना। अब चलो वो सारी बातें तो अलग करते हैं, मैडम जी इतनी दूर से हैं अपने चैनल को सही कराने के लिए, गलतियां क्या हुई है वो आप समझिए, जिससे कि आप भी अपनी उस गलती को दूर कर सकते हो इस वीडियो को देख के, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों जो लोग यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। भाई जो पैसे कमाना चाहते हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा, मैं नहीं कहता हूँ सभी को करिए, जो आप जिनको जानते हैं कि ये सोशल मीडिया पर काम कर रहा है और ये भी पैसे कमाना चाहते हैं, या कोई गरीब है और वो YouTube पर नहीं आ पा रहा, उसको नहीं पता कि सोशल मीडिया कैसे पैसे कमाया, तो उसको शेयर कर देना, क्योंकि अगर वो सीखेगा तो वो भी पैसे कमाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ से ओपन करेंगे क्रोम, यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर बैक करते हैं और ये क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। क्रोम ओपन कर लेना और यहाँ पर लिखना स्टूडियो, ठीक है ना। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो आपके सामने है सब, ठीक है। ये कैसा आ रहा है भाई, ये अच्छा हिंदी लगा है क्या आपका? लग गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं ऑफ और इंग्लिश ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडियो, ठीक है ना, studio.youtube.com, ठीक है। देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके में शो होगा, ठीक है। जैसे ये इंटरफेस आ रहा है ऐसा ही आपके में शो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चैनल इनका आ गया मैडम जी का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कस्टमाइजेशन है, यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन होता है, सबसे पहले हमें कस्टमाइजेशन देखना होता है, कस्टमाइजेशन आखिर में हमारे चैनल का है क्या और किस तरीके से, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ मैडम जी का जो लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट है वो सिर्फ यहाँ पर शो हो रहा है, शॉर्ट वीडियो का फॉर्मेट नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर कोई इनके चैनल पे विजिट करेगा ना, जब तक का शॉर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक का शॉर्ट के सेक्शन की वीडियोस नहीं नीचे शो होंगे, रिकमेंड नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेक्शन भी यहाँ पर लेके आएंगे लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट के बाद में, और साथ ही साथ यहाँ पर
कोई भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो का यहाँ पर सेक्शन नहीं ऐड किया गया, वो भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर कोई नया बंदा आता है और आपके चैनल पर सर्च करता है, जाके देखता है, अगर वो पॉपुलर पे क्लिक नहीं करेगा तो उसको पॉपुलर वीडियो नहीं दिखेगी। अब क्या है, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर का सिस्टम अगर हम सेट कर देंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर आएगी, फिर वीडियो आएगी, फिर शॉर्ट सेक्शन आएगा, ठीक है। तो हम इसको हम पूरा पहले कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पर जो कस्टमाइज कैसे किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है एड सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर एड सेक्शन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिख कर हम पॉपुलर वीडियो, ठीक है, जैसे हमने पॉपुलर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हो पॉपुलर का ऑप्शन आ गया। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको हटाएंगे, ये एक सेक्शन हटाएंगे, एक ये लॉन्ग वीडियो का। सबसे पहले मैं ले आया हूँ यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो, ठीक है ना। अब ये एड सेक्शन से फिर से क्लिक करेंगे और वीडियो पे क्लिक कर देंगे। अब ये वीडियो वाला सेक्शन हमारा देखिए आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक बार फिर से एड सेक्शन पे और यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट। अब ये शॉर्ट का सेक्शन आ गया, ठीक है ना। अब फिर से एक बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हमारा बाकी रह गया लाइव स्ट्रीमिंग का, ठीक है ना। अब यहाँ पर लाइव का हमने यहाँ पर एक सेक्शन ले आए, ठीक है। अब ये लाइव का सेक्शन आ गया, ये सारी चीजें हमारा कस्टमाइज हो गया। अब इनको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ये चार चीजें हमारे चैनल पर बहुत जरूरी होती हैं, अगर आप इनको ऐड नहीं करेंगे तो दिक्कत आगे आ सकती है। जो आपकी ऑडियंस आएगी ना, लोग बोलेंगे यार इनकी तो कोई वीडियो ही नहीं वायरल है, पता कैसे चलेगा? जब तक का वो बंदा आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखेगा, ठीक है, तब तक पता नहीं चलेगा। अब ये देखो पूरा सेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, थोड़ा जूम करेंगे, ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करने पर यहाँ पर चैनल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो मैडम जी सारे जितने भी कीवर्ड है ना, ये देखो यहाँ पर लगा के रखें, ठीक है ना। यहाँ पर कीवर्ड सारे तरीके के लगा के रखें, नीतूराज नीतूराज नीतू, इस तरीके से नहीं लगाना है। आपने ज्यादातर नीतूराज यूज कर लिया, ऐसा नहीं लगाना है। अब क्या है, इसको हम ये नीतूराज जितने भी हैं अपने लगाए, इनको हम हटाएंगे, ठीक है ना। इसको हटाएंगे, कुछ कुछ चीजें और हटाएंगे। हाँ ये देखिए इतनी चीज हमने हटा दी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम आपके चैनल का नाम कर रहे हैं, इनका चैनल का नाम भी मुझे कस्टमाइज करना है, नीतू राज सिवा आपने चैनल का नाम रखा है ना, तो उसको भी थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे नीतू राज ऑफिशियल कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नीतू राज ऑफी, नीतू राज ऑफिशियल, ठीक है ना। आपके चैनल का नाम और चैनल का जो हैंडल है उसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लगाएंगे कीवर्ड ऑफिशियल, ठीक है ना जी। एक ऑफिशियल लगाएंगे, एक राज नीतू लगाएंगे, ठीक है। ये तीन कीवर्ड देखिए इनका क्या, बाकी जितने भी कीवर्ड लगे हैं वो सारे सही है, तीन चार कीवर्ड कुछ गड़बड़ थे वो हमने यहाँ पर चेंज किए, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस पर आएंगे, यहाँ पर भी इन्होंने सेटिंग का सही करके रखी है और यहाँ पर भी फीचर एलिजिबिलिटी पे भी इनका जो सेटिंग है वो सही है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज, क्योंकि चैनल का नाम जो होता है ना वो हमारा टॉप पर सर्च पे ही नहीं आ रहा, सर्च पे नहीं आ रहा था ना आपका चैनल टॉप पर, तो इनका चैनल भी सर्च पर नहीं आ रहा, तो उसको भी सर्च पे अभी देखिए कैसे लाएंगे अभी ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक बार सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम आएंगे अपलोड डिफॉल्ट पर, ठीक ना। अपलोड डिफॉल्ट पर आएंगे, यहाँ पर भी देख सकते हो सारी सेटिंग्स उन्होंने सही करके रखी, बस यहाँ पर देखो नीतू राज क्या लिखा है, नीतू सरोज की वीडियो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड और लगाएंगे, जैसे लगाएंगे नीतू राज ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगाएंगे राज नीतू, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको भी लगाना है, ठीक है ना। और अब लगाना ऑफिशियल, ठीक है ना, ये लगा दी इतने। अब मान लो आपको कीवर्ड नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने देखिए मैडम जी ने मतलब कि 70% 80% सेटिंग खुद करके रखी है सही चैनल की, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भी चैनल की सेटिंग कर रहे हो और आपको कीवर्ड नहीं मिले तो आप कैसे कीवर्ड लाओगे? देखो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैपिड टैक्स, ठीक है। रैपिड टैक्स जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी ओपन होकर, यहाँ पर हमको क्लिक करना यूज टैग जनरेटर पर, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका ब्लॉग चैनल है, कुकिंग चैनल है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का चैनल है, ठीक है, या ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मैडम का व्लॉग चैनल, तो यहाँ पर लिखना है हमको फैमिली व्लॉग, हाँ ठीक है। और कहाँ गया, ट्रैवल व्लॉग, ठीक है ना, ट्रैवल व्लॉग लिखेंगे। और यहाँ पर एक लिखेंगे हम जैसे कि डेली रूटीन, ठीक है, डेली रूटीन, ठीक है ना। अब इतना सर्च कर देंगे। अब मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको कैसे सर्च करना, ये सारी चीजें कीवर्ड कैसे फाइंड करना, देखो यहाँ पर सारे कीवर्ड हमारे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार ऐसे टैप कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे जो भी हमारा जो अभी हमने चैनल की सेटिंग की है ना यहाँ पर, और आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो लोग उन्होंने चैनल की सेटिंग करनी है, मैडम की चैनल की सेटिंग पहले से थी आधे से ज्यादा, ठीक है ना, वो मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आके आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है और यहाँ पर एक बार ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पर पेस्ट करके दिखा दिया, क्योंकि हमें पेस्ट नहीं करना इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना।
सारा इतना इनका जो चैनल का सेटिंग था वो सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, इनके चैनल का जो हैंडल है उसको चेंज करना, कस्टमाइज करना, साथ ही साथ इनके चैनल का जो नाम है उसको कस्टमाइज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी नहीं करते, यहाँ से हम आएंगे YT स्टूडियो पर, YT स्टूडियो पर आएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर दिया होगा फेस बनाओ, यहाँ पर DP लगती है वहाँ पर, और ये पेंसिल वाला आइकन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो ये चैनल का नाम आ गया और चैनल का ये हैंडल आ गया, ठीक है ना। अब ये चैनल के हैंडल पर नाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल, ये देखो हमने लगा नीतू राज ऑफिशियल, ठीक है ना, नीतू राज ऑफिशियल यहाँ पर मैंने कर दिया, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चैनल का हैंडल बनाएंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है नीतू राज 54, ठीक है ना, हम करेंगे ऑफिशियल। ऑफिशियल का देखिए, कभी भी अगर आप मान लीजिए कि व्लॉग वीडियो बनाते हैं ना, कभी भी अगर आप अपने चैनल का नाम रख रहे हैं, कोई भी मान लीजिए नीतू है या फिर सरोज है, कुछ भी नाम है, आप लोग आगे व्लॉग लगा दो, व्लॉग मत लगाइए, हमेशा ऑफिशियल का यूज़ करना इसलिए जरूरी है। आप इसमें अपना व्लॉग वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना, कहीं जा रहे घूमने के लिए, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल का व्लॉग डाल सकते हैं, ठीक, वीडियो डाल सकते हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग का वीडियो डाल सकते हैं। ऐसे क्या है ना, लोग ऐसे समझते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ व्लॉग का वीडियो, आप व्लॉग बनाते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान बहुत रखना है आपको, कि कभी भी चैनल का नाम ऐसा रखना है जिससे कि आगे जो कोई भी बंदा अगर आपके चैनल उसके सामने जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आपके चैनल पर क्लिक जरूर करे, ठीक है, क्लिक जरूर करे, ऐसा ये ध्यान रखना है, तभी चैनल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है रखने के टाइम, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ नीतू राज ऑफिशियल मतलब किसी ने ले रखा है पहले से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीतू राज कर देंगे, थोड़ा सा कस्टमाइज कर देंगे, 54 था ना आपका पहले, 54 कर देंगे, ठीक है, नीतू राज ऑफिशियल 54, ठीक है ना, इसको सेव कर देंगे। अभी देखो ये हमारा चैनल का हैंडल हो गया, ये चैनल का नाम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक कर देंगे, देखो हमने एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारा चैनल का नाम अपडेट हो गया पूरा, जो चैनल की सेटिंग थी वो भी कर दी। अब देखो यहाँ पर चैनल कैसा हमारे सामने शो होगा, अगर कोई बंदा सर्च करता है लैपटॉप पर, टीवी पर देखता है तो कैसा आएगा ये दिखाते हैं हम आपको। देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और योर चैनल पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारा जब चैनल ओपन होके आएगा ना, सॉरी यहाँ पर ओपन हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखो अभी क्या हमने यहाँ पर ओपन किया क्रोम पर, और डायरेक्ट चला गया हमारे YouTube वाले एप्लीकेशन है, इसको कैसे बंद करेंगे ये भी आप सीख लीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर आ जाएंगे, सेटिंग पर आने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर दिए हैं जहाँ पर एप्लीकेशन सारे दिए होते हैं, देखो मैनेज एप्लीकेशन पर आएंगे, एप्लीकेशन लिस्ट पर आएंगे, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ पर हमारे सारे यूट्यूब के एप्लीकेशन दिए हैं, अब यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये लिखा है ओपन बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, इस पर क्लिक करके ये जो लिखा है ओपन सपोर्टिंग लिंक, इसको ऑफ कर देंगे। कभी भी हम क्रोम पे अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो डायरेक्ट खुलेगा, अब डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको बंद कर देंगे, ऐसे ही करके बैक करके हम यूट्यूब पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर ओपन बाय डिफॉल्ट पर आके इसको ऑफ कर देंगे। आप कभी भी अगर आप अपना यूट्यूब खोलेंगे क्रोम पर तो कभी भी आपका यूट्यूब के एप्लीकेशन पर नहीं जाएगा, ना ही YT स्टूडियो, डायरेक्ट क्रोम का चीज क्रोम पे ही खुलेगा। मैक्सिमम लोगों की ये दिक्कत रहती है, भैया हम जब भी क्रोम पे कुछ खोले तो यूट्यूब के एप्लीकेशन या YT स्टूडियो पे डायरेक्ट जा रहा है, तो ऐसे बंद कर दो तो कभी भी नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा चैनल ओपन हो गया, पहले कहाँ चला गया था, एप्लीकेशन पर। अब देखिए आपका कैसे ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपका चैनल का वीडियो लग गया, यहाँ पर देखिए मोस्ट पॉपुलर आ गया, यहाँ पर वीडियो आ गया, यहाँ पर शॉर्ट आ गया, पहले ऐसे आपका नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब ये पूरा कस्टमाइज, जब तक का हम चैनल कस्टमाइज अच्छे से नहीं करेंगे तब तक का हमारा चैनल का जो रीच है ना वो डाउन रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान देना है हमेशा, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया, कैसे मैडम जी के चैनल पर दिक्कत थी वो सारी चीजें सॉल्व कर दी और बताया भी मैडम को। अभी कुछ क्वेश्चन और है मैडम के, वो भी अभी हम सॉल्व कर देंगे, बता देंगे, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और इतनी दूर से आई, प्रतापगढ़ से आई है, तो यहाँ आने का भी कुछ ना कुछ रीजन है और इनकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और मैडम जी के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, ठीक है ना। ये चैनल है, देख लीजिए, नीतू राज ऑफिशियल 54 हैंडल है और ये चैनल है, लिंक भी देकर रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके सपोर्ट कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, ठीक ना। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।